कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो मंजिलें पैरों तले होती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ बैतूल के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक किसान परिवार के साथ, जहाँ एक किसान के बेटे स्नेहल वामनकर ने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक कॉमन एडमिशन टेस्ट को बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2020 में पास किया था, जिसके बाद दो साल उन्होंने कड़ी मेहनत कर 21 जनवरी 2023 को फ्लाइंग ऑफिसर की पासिंग आउट परेड को भी पास कर लिया। अब स्नेहल इंडियन एयरफोर्स में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर काम करेंगे। स्नेहल की ये राह आसान नहीं थी। अपने संघर्ष को बताते बताते स्नेहल भावुक हो गए। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं फौज में जाऊँ, और मैंने मेरे और भी ज़्यादा रुचि इसमें बढ़ी जब मैं कॉलेज में गया और मैंने NCC ज्वाइन करी। वहाँ पर कई सारे मैंने कैंप करे, कुछ लोकल कैंप्स करे, कुछ नेशनल कैंप्स करे। वहाँ पर मैंने 4 बारी राज्य स्तरीय परेड में भी भाग लिया। उसके बाद 1 बारी मैं राजपथ पे भी मार्च किया। वहाँ पर फिर और भी ऑफिसर्स को देखा, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, तो वहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा रुचि बढ़ी मेरी फौज की तरफ। तो वहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसी में करियर बनाना। जी, इतना माहौल यहाँ पर विलेज में है नहीं, बट मम्मी पापा ने पूरी कोशिश करी कि हमको माहौल मिले। यहाँ से हमको स्कूल, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, लिटिल फ्लावर स्कूल बैतूल, वहाँ पर हमें दाखिला दिला, और उन्हें पूरी कोशिश करी, हमें पूरा माहौल मिला। तो हमारी कोचिंग, ट्यूशन सब उनने पूरा प्रयास किया, और उनकी बदौलत है, मेरे भाई का सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट है, उसकी वजह से ही मैं जो भी बन पाऊँ उनकी वजह से ही बना। स्नेहल, आप किसान परिवार से हो, तो अब जैसे आप ट्रेनिंग करके आए हैं, तो आप यहाँ घर के जो काम रहते हैं करते कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं किसी पोस्ट पर पहुँच गया हूँ तो वो पोस्ट वहीं तक सीमित है जहाँ पर मैं ऑन ड्यूटी हूँ। जब मैं छुट्टी पे आया हूँ या फिर जब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं किसान पुत्र ही हूँ और मैं भी किसान ही हूँ, तो मैं पूरा काम क्या क्या करता हूँ। जी, जो मैं पहले काम करता था मैं वही काम करता हूँ। जैसे कि कल भी कुछ लोग आए थे मीडिया से, तो उसी समय वहाँ पर मैं अपने गाय बैलों को चारा और पानी दे रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भैया स्नेहल कहाँ पर है, फ्लाइंग ऑफिसर स्नेहल जो अभी बने हैं नए, तो मैंने बोला कि मैं ही हूँ। तो सारा काम जी ट्रेनिंग हो चुकी है। जी जी, क्योंकि स्कूल के दौरान कम हाइट के कारण उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने नहीं दिया जाता था। इससे हताश होकर स्नेहल घर आकर काफी रोया भी करते थे। स्नेहल भले ही फ्लाइंग ऑफिसर बन गए, लेकिन जब भी वह अपने गांव आते हैं तो खेत में एक आम इंसान की तरह काम करते हैं और पिता की खेती में पूरी मदद करते हैं। स्नेहल की सफलता से उनके माता पिता खुश होने के साथ साथ भावुक भी नजर आए। पिता का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, फिर भी बेटे को पढ़ाया और आज बेटे ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कि किसान होने के नाते थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम भी थोड़ी सी कम, पानी की थोड़ी सी कमी थी खेती में, खेती तो है लेकिन पानी की कमी होने से थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम भी कम थे। उस टाइम में इनको स्कूलिंग के लिए जाने आने के उतने साधन नहीं थे, मुझे ही लाना ले जाना पड़ता था, तो स्कूल ट्यूशन ये सब। अच्छा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण अपन घर पे भी नहीं पढ़ा सकते थे, मतलब जो नहीं सोचा था उससे ज़्यादा उसने मेरे को रिटर्न दिया, जितना मैंने उसके लिए उनके लिए मेहनत की बच्चों के लिए, उनसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न मिला है। बचपन में क्या गतिविधियाँ रहती थी इसकी? गतिविधियाँ ये रहती कि जैसे लिटिल फ्लावर स्कूल में इसको NCC में लेना था, वो नहीं मिलती थी, घर पे आके रोता था, दिन भर इधर उधर लकड़ी की बंदूक बना के खेलता था, तीर कमान बना के खेलता था, और कहता था कि नहीं मेरे को तो सेना में जाना है। तो ऐसा ही ये सब तौर पे माता पिता सेना में नहीं भेज पाते। जी हाँ, आपको कैसा लगा? मम्मी का थोड़ा सा ये था उसकी कि भाई सेना में नहीं जाए मेरा बेटा। मेरा थोड़ा सा था कि ठीक है यार, जो आपकी रुचि है वो आप कर सकते हैं, तो घर में थोड़ा सा ऐसा था, तो इसलिए थोड़ा सा मम्मी का तो रहते ये थोड़ा सा कि बेटे के लिए वो, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर उधर था, तो काफ़ी थोड़ा सा उनको समझाने बुझाने में थोड़ा सा लगा टाइम, बाकी अन्यथा फिर उसकी खुशी के लिए वो भी मान गए कि चल ठीक है तेरी खुशी है, तो यही सही। फिलहाल स्नेहल की इस कामयाबी से परिवार के साथ साथ गांव वालों को भी गर्व महसूस हो रहा है कि एक छोटे से गांव के किसान के बेटे ने इंडियन एयरफोर्स में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट MP तक।